तो भाई लोग कैसे हो, होपफुली सब बढ़िया होंगे। भाई इस वाली वीडियो के अंदर पहले तो बात करेंगे न्यू स्टेट मोबाइल की, भाई न्यू अपडेट के बारे में, न्यू लीक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही बात करेंगे भाई डेल्टा फोर्स मोबाइल के एक न्यू मूड गेम प्ले के बारे में, जो अभी आप गेम प्ले चेकआउट कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा आगे हम बात करेंगे भाई कैसा ये मूड है, क्या सीन है, ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, डायरेक्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले बात करें भाई न्यू स्टेट मोबाइल के बारे में। जो भी रिसेंटली अपडेट आई न्यू स्टेट मोबाइल के अंदर, उस अपडेट का साइज कम से कम 416 MB है। चलो अपडेट का साइज तो डिसेंट है, और अगर यहाँ पर अपडेट का आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो व्हाट्स न्यू, तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है भाई बग फिक्सेस, न्यू रॉयल पास, न्यू सीजन, न्यू कॉस्ट्यूम। और जैसा कि आपको पता है अपडेट आने से पहले भाई इन्होंने ऑफिशियल पैच नोट की पोस्ट अपलोड की थी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो मैंने आपको बता दिया था, और न्यू सीजन के बारे बता दिया पहले से ही। बाकी सवाल पास तो पुराना ही जो पहले आ चुका है। बाकी बात करें भाई न्यू क्रेट, न्यू कॉस्ट्यूम के बारे में जो ये बता रहे हैं। अब देखो यार, ये वाला जो कॉस्ट्यूम क्रेट है, मान लो ये जो एक्सूट का क्रेट है भाई, इसकी आपको 2 टिकटें मिलेंगी। मान लो हर वीकेंड 2 टिकटें आपको मिलेंगी सैटरडे, 2 टिकटें आपको मिलेंगी संडे। आई थिंक ये वाला जो लॉगिन इवेंट है, आई थिंक पूरा महीना चलेगा जब तक नेक्स्ट अपडेट आएगी। अब मेरे को ये लग रहा है पब्लिक को जस्ट होल्ड करने के लिए ये इवेंट दिया जा रहा है। आगे बढ़ते बात करें यहाँ पर लीक्स के बारे में। यार देखो, जो अपडेट का साइज़ है वो तो डिसेंट है, बट मैंने यहाँ पर ट्राई किया कुछ अपकमिंग लीक्स को लेकर, और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। ज़्यादा कुछ लीक्स देखने को नहीं मिली इस अपडेट के साथ भाई। कुछ ये इमोट्स हैं अपकमिंग जो आ सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब जो बंदे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं न्यू स्टेट मोबाइल को भाई, आपको पता है भाई कहीं ना कहीं आपको भाई नए क्रेट्स, नई स्किन्स देखने को मिलती थी हर अपडेट के साथ। अब जब से भाई साउंड का बग मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुई iOS के अंदर, आपको पता है जो भाई iOS में गेम को खेल रहे हैं न्यू स्टेट को, उनको पता है साउंड का थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तब से भाई इन्होंने न्यू स्किन्स देना मतलब ऐड करना गेम के अंदर बंद ही कर दिया, ठीक है। बट मैं तो भाई ट्राई करता हूँ हर अपडेट के साथ, शायद कुछ भाई क्लू मिल जाए नेक्स्ट अपडेट का, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ अपकमिंग आ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल भाई लोग देखो, इस वाली अपडेट के साथ इन्होंने भी कुछ खास स्किन्स ऐड नहीं की भाई। हाँ कुछ अपकमिंग थोड़े बहुत लीक्स देखने को मिल रहे हैं जो फ्यूचर में अपडेट्स में आ सकते हैं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ जैसा कि मैंने बोला। अब देखते हैं आगे क्या होता है भाई न्यू स्टेट का। तो वेट करते हैं भाई नेक्स्ट एनिवर्सरी का, वही एक होप है, वही एक लास्ट चांस है न्यू स्टेट मोबाइल का, मे बी शायद कुछ हो जाए, ठीक है। अब मेरे को डाउट इस चीज़ को लेकर है कि भाई मतलब जो iOS का साउंड का बग अभी तक फिक्स नहीं हुआ भाई, आगे न्यू स्टेट वाले और क्या कर सकते हैं यार, ठीक है। चलो खैर देखते हैं क्या होता है भाई, वेट ही करते। फिलहाल तो गेम चल ही रहा है, सर्विस के ऑन है, बाकी ऑफिशियल की तरफ से कोई मतलब बड़ी न्यूज़ सुनने को नहीं मिल रही, तो वेट ही कर सकते हैं। बाकी आप बताना फिलहाल भाई आप न्यू स्टेट मोबाइल के बारे में क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो ये तो बात थी न्यू स्टेट मोबाइल के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करें डेल्टा फोर्स के भाई ये न्यू मूड गेम प्ले के बारे में। अगर मैं इस मूड को डिस्क्राइब करूं, मैं बोलूंगा भाई अरीना ब्रेकआउट, ठीक है। अगर आपने अरीना ब्रेकआउट गेम प्ले, कौन मार रहा है भाई किधर, अभी ऊपर वो नीचे गिर गया क्या। अब देखो यार, अगर आपने रीना ब्रेकआउट खेला है ना, लगभग वैसा ही आपको ये मूड देखने को मिलता है डेल्टा फोर्स मोबाइल के अंदर, ठीक है। आपको कुछ मिशन मिलते हैं भाई, आपको मतलब सामान कलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको मतलब सामान कलेक्ट करते समय जो सामने आपके एनिमी होंगे भाई, कुछ बॉट होंगे मतलब जो गार्ड्स होते हैं यहाँ के, बाकी कुछ रियल बंदे भी होंगे, मतलब ये आप मान सकते हो एक बैटल रॉयल जैसा मूड है रीना ब्रेकआउट जैसा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो गार्ड था, बट साथ ही इसी मैच के अंदर आपको सामने रियल बंदे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर भाई आप रियल बंदे के हाथों पिल जाते हो, मर जाते, तो आपका जो सामान है यहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से खेलना पड़ेगा, आपको एमओ ध्यान से यूज़ करनी पड़ेगी, लिमिटेड एमओ है, बाकी बंदों बंदों से एमओ मिली जाती है, बाकी आपके टीम मेट आपके साथ होंगे। अब मैं यहाँ पर हूँ कहाँ पर, मैप में थोड़ा देखना पड़ेगा किस तरफ हूँ मैं यार। ओके यहाँ पर हूँ, तो इस तरफ मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है। अबे ये क्या था, शील्ड लेकर आ रहा था क्या ये? ये भी गाड़ी था, रियल बंदा तो था नहीं। इसके पास क्या सामान है भाई, चेकआउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये क्या है, ये मशीन सी पता नहीं, यही उठा लेता हूँ शायद कोई काम कर जाए। अब यहाँ पर मिनी मैप के अंदर मेरे को येलो का आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई तो आइटम है जो मेरे को पिक करनी है, आई थिंक इस रूम में होगी। ये पिक करना है क्या, ड्रॉ में क्या पड़ा है भाई, ये क्या है भाई, ये एक ही आइटम है। अब ये क्या है, ओके ये वाली कुछ आइटम आई थिंक मेरे को पिक करनी पड़ेगी। ओके हर एक बटन मेरे को दबाना पड़ेगा, 7 9
टू, ओके लग गया टू, ओके टू हो चुका है, ओके फिर से वन थ्री फाइव सेवन नाइन, ओके नाइन भी लग गया है, फिर से करना पड़ेगा, ओके एक लग गया, खुल गया भाई, सही है। ओके ये आइटम आई थिंक मेरे को पिक करनी पड़ेगी, ये रेयर होगी कुछ समथिंग ऐसा ही लग रहा है। चलो निकलता हूँ यहाँ से, वैसे यार ग्राफिक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके, ठीक है। अबे अबे दो इनका डैमेज, ये तो गया, एक और है। अबे गार्ड थे का रियल बंदे थे यार, ले वो भी गया। ये मतलब गार्ड थे का रियल बंदे, इनको रिवाइव रिवाइव करना पड़ेगा, ये नॉक हुए थे पता नहीं, देखता हूँ इनकी पेटी में सामान। अबे ये कौन मार रहा है भाई, ये कुछ गड, अबे ये रियल बंदा है क्या, अबे एक गोली मार के कवर में जा रहा है ये बंदा, कुछ तो गड़बड़ है, ये रियल लग रहा है मेरे को। अब देख वो चला गया कवर में, इतना कवर तो बॉट जाता नहीं, गार्ड जाता ही नहीं तो। अब ये क्या हो रहा है, ये कौन सा आइकन दिखाई रहा है, इसमें क्या कर रहा है ये, पिला बट मैं देखता हूँ रियल बंदा था ये क्या था, इसकी पेटी से पता चल जाएगा मेरे पास ज़्यादा सामान हुआ तो। रियल बंदा ही है ये, उठा लूँ सामान भाई इसका, ये हीलिंग का सामान उठा लूँ, ये रियल बंदा ही है, वही मैं बोल रहा था ना। तो इस वाले मूड के अंदर आपको गार्ड्स मिलेंगे, रियल बंदे ही मिलेंगे भाई, मतलब एक तरह का आप बैटल मान सकते हो। चलो भाई ठीक है निकलता हूँ यहाँ से, वैसे भी भाई हालत पतली थोड़ी हो चुकी है अपनी, मेरे पास आई थिंक हीलिंग का सामान थोड़ा ही है, तो देखता हूँ भाई अभी यहाँ से निकलने का रास्ता। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, यार देखो जो गेम का ऑप्टिमाइजेशन भाई बहुत ही अच्छा है। अब मैं हाई ग्राफिक पर 90 FPS पर गेम को खेल रहा हूँ भाई, मतलब डिवाइस नॉर्मल है, कोई हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला, लैग वैग कुछ देखने को नहीं मिला, साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ गेम प्ले, तो ऑप्टिमाइजेशन भाई काफ़ी बेहतर है डेल्टा फोर्स मोबाइल का। अब यहाँ पर बात करूँ मैं दूसरी गेम्स के बारे में, न्यू स्टेट मोबाइल भी आपको अल्ट्रा ग्राफिक पर 90 FPS देता है, वो भी काफ़ी अच्छा स्मूथ चल रहा है, बट उस गेम के हालात कुछ ऐसे कंपनी ने कर दिए, अभी क्या ही बोल सकते हैं, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। बट अगर मैं बात करूँ वॉर्डजोन वेल के बारे में, वॉर्डजोन वेल भी काफ़ी अच्छा एडवांस गेम है, बट यहाँ पर एक्टिवेशन वालों ने गलती क्या की वॉर्डजोन वेल को लेकर भाई, उन्होंने एक PC इंजन यूज़ किया गेम को बनाने के लिए, तो उसके कारण गेम की ओर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर एक्टिवेशन वाले मतलब वॉर्डजोन को बनाने के लिए अनरियल इंजन यूज़ करते या फिर यूनिटी इंजन यूज़ करते, गेम काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज हो सकता था, बट चलो खैर क्या ही बोल सकते हैं। अब यहाँ पर भाई अपना प्लेन आ चुका है, हेलीकॉप्टर आ चुका है, तो यहाँ से निकलते हैं, आपको भी आइडिया आ चुका होगा ये कैसा मूड होने वाला है। तो भाई लोग फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर अबाउट भाई डेल्टा फोर्स के न्यू गेम प्ले के बारे में और न्यू स्टोरी की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।